एक गीत बजा है कौन सा और तरजाई है कहा फिल्मी दुनिया वालों ने क्या कहा है फिल्मी दुनिया वालों ने कि खन की चूड़ी मेरी तुझे दिखाने को मुंडा मेरी उम्र दा है मेरी उम्र दा एक मुंडा मेरी उम्र दा है मेरी उम्र दा जी देखो हाँ देखो हाँ देखो दिलों की ये बातें नहीं जानता भाई साहब ने बताया हाँ। क्या बताया कि जो दरबार में संत शिरोमणि विराजे हैं इनके विषय में कुछ ऐसा सुनाया जाए तो प्रयास कर रही हूं अपनी तरफ से और कहना है क्या क्या ये जो विराजे हैं दरबार में हाँ। मंदिर में ये है कौन कौन है बेटे कौन है संत बड़े इनको संत शिरोमणि कहा जाता है ध्यान दे संत बड़े भारत खंड के भारत अखंड के संत बड़े भरत खंड के भारत अखंड के संत बड़े भरत खंड के और भारत अखंड के कैसे संत है कैसे? के जिनकी हाँ जिनकी अरे जिनकी कठौती में गंगा जी का वास जी मन चंगा कठौता में गंगा तो जिनकी कठौती में गंगा जी का वास जी तो ज्ञानियों है हरि के दास ये निराले रहे दास जिनकी कठौती में गंगा जी का वास जी और हरि के दास है निराले ये रैदास जी हाँ।
मस्त रहिए। और ये ऐसे वैसे दास नहीं है, कैसे है? कैसे है? संतो बड़े भरत खंड के, भारत अखंड के, पजल की कठौती में गंगा जी का वास जी, जैसा कि अभी आप सभी लोग सुन रहे थे। एक ब्राह्मण देवता जो गंगा स्नान ले जा रहे थे, रैदास जी महाराज बोले कि मेरी भी भेंट ले जाइए और गंगा माता को अर्पण कर देना। और जब भेंट उन्होंने ब्राह्मण देवता के द्वारा पहुंचाई, होता क्या है, गंगा मैया को भेंट जब चढ़ाई है, ब्राह्मण देवता के हाथों गंगा मैया को भेंट जब पठाई है। और जैसे ब्राह्मण देवता गंगा किनारे पहुंचे तो उस भक्त की भेंट लेने के लिए, भेंट लेने सातार होती माई है, माता गंगा साक्षात प्रकट हो गई और भक्त की भेंट उन्होंने स्वीकार कर ली। और भेंट स्वीकार करने के बाद भेंट गंगा ने संत को पठाई है एक सोने के कंगन के रूप में। समझ रहे? माता गंगा ने भी ब्राह्मण देवता को एक कंगन दे दिया और कहा जाओ ये मेरे भक्त को दे देना जिसने ये भेंट पहुंचाई है। तो हुआ क्या, भेंट गंगा ने संत को पठाई है, लेकिन उस कंगन को देख करके ब्राह्मण देवता के मन में लालच आ गया। लालच, इतना मोटा सोने का कंगन है और उस भक्त को देकर हम क्या करेंगे, लालच बुरी बला है, चलो इसको हम ही रखे ले रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने वो कंगन वाली बात छुपा ली और जब छुपा ली तो भेंट गंगा ने संत को पठाई है। तो विप्र ने छुपाई है, कंगन देने की बात ब्राह्मण ने छुपा ली, तो विप्र ने बात सारी ये छुपाई है, क्योंकि उस कंगन को जब ब्राह्मण देवता ने देखा तो वो कंगन कैसा है, कंगन कंगन रतन जड़ा था वो कीमती बड़ा, रत्नों से जड़ा हुआ वो कंगन था, कि कंगन रतन जड़ा था वो कीमती बड़ा। और ब्राह्मण देवता वो कंगन लेकर के आए, वो उन्होंने रविदास जी को नहीं दिया, वो अपने घर ले गए और अपनी पंडिताई से कहने लगे, बोले कि कंगन रतन जड़ा था वो कीमती बड़ा, तो रखा अरे रखा हार रखा विप्र ने घरवाली के पास जी, अपनी घरवाली यानी पंडिताइन को दे दिया वो कंगन। बोले देखो हम तुम्हारे लिए कितना सुंदर कंगन लेकर आए हैं, इसको तुम पहनो और तुम्हारा हाथ भी बड़ा सुंदर लगेगा। और जब घरवाली को दे दिया तो रखा विप्र ने घरवाली
पास जी तो ज्ञानी चौबे जी आज तो गजब करे हो आज आज तो गजब ढाए हैं ये आज तो छा गए गुरु। एक टुकड़ा और देखें आप लोग, जब ब्राह्मण देवता ने वो कंगन अपनी पत्नी को दे दिया, एक दिन पंडिताइन वही कंगन पहन करके रानी से मिलने पहुंच गई। रानी से मिलने पहुंच गई तो हुआ क्या कि पहन कंगन रनिवास में जब आई है के, जैसे ही रानी की नजर पड़ी उस पर हुआ क्या, पहन कंगन रनिवास में जब आई है पंडिताइन, तो रानी ने देखा दिव्य कंगन से चमकी कलाई है। पंडिताइन की कलाई दिव्य कंगन से चमक रही थी और जब उस पर नजर पड़ी रानी की तो ललचाई है। रानी के मन में लालच आ गया, काश ये सुंदर कंगन मुझे मिल जाए। तो रानी पहुंच गई महाराज के पास और किया क्या, बोले क्या, देख रानी वो कंगन ललचाई है और बात राजा को दिल की सुनाई है। रानी ने सारी बात राजा से कही, बोले महाराज आज पंडिताइन बड़ा सुंदर कंगन पहन करके आई थी और मेरा तो दिल आ गया है उस कंगन पर, अगर आप चाहें तो वो कंगन मुझे लाके दे सकते हैं। और जब ऐसा कहा, देखे पंडिताइन से, पंडिताइन का कंगन देख करके रानी मोहित हो गई, तो रानी कह रही है महाराज कंगन मिले रतन जड़ा मेरा मन है बड़ा, मेरा बड़ा मन है उस कंगन को पहनने का, तो महाराज वो कंगन मुझे लाके दीजिए। कंगन मिले रतन जड़ा मेरा मन है बड़ा, गहना अरे गहना हाँ गहना चाहती हूँ गहना वही खास जी, मैं वही गहना लेना चाहती हूँ महाराज। ज्ञानी है हरि के दास है निराले बुलवाया जाए। बिल्कुल बुलाया जाए। बेचारे पंडित जी आ गए, आ गए बिल्कुल आ गए, तैयारी के साथ आए हैं। नहीं नहीं ये वाले पंडित जी थोड़ी थे वो, आप गलत समझ रहे हैं। महाराज को बुलाया गया, अब विप्र महाराज आए, बोले महाराज कहिए क्या आदेश है मेरे लिए। बोले कल तुम्हारी पंडिताइन बड़ा सुंदर कंगन पहन करके आई थी और हमारी रानी का मन आ गया उस कंगन पर, तुम जाओ और वो कंगन लेकर आओ, मेरी रानी को भेंट कर दो। विप्र महाराज गए, वो कंगन अपनी पत्नी से ले आए और रानी को भेंट दे दिया।
रानी ने उसके बदले में बहुत सारा हीरे मोतियों से भरा हुआ उनको तमाम को सामान दिया, बदले में उपहार दिया। अब देखे आगे होता क्या है, क्या होता है आगे। लेकिन कंगन तो एक ही मिला था, और जब रानी को एक ही कंगन दिया तो फिर समस्या खड़ी हो गई। बिल्कुल। कैसे? कैसे? लेके कंगन, अरे लेके कंगन विप्र राजा को बहाया है। जब एक कंगन था तो एक कंगन ले आए ब्राह्मण देवता, और जैसे ही दे दिया तो राजा ने कहा सुनो सुनो, लेके कंगन विप्र राजा को बहाया है, तो जोड़ का इसकी राजा ने मंगवाया है। राजा बोले इसके इसके जोड़ का दूसरा भी तो लाओ। वो भी तो लाओ, कहा है? कोई एक हाथ में थोड़ी कंगन पहनता है, कंगन तो दोनों होने चाहिए। तभी तो है। अब ब्राह्मण देवता बिचारे घबराने लगे कि हमको तो एक ही कंगन गंगा जी ने दिया था, दूसरा कहां से ले आए हम। हुआ क्या, जोड़ का इसकी राजा ने मंगवाया है। पंडित जी बोले ठीक है महाराज, हम सवेरे ले आएंगे। अब इतना कह तो दिया लेकिन रात भर पंडित जी को नींद नहीं आई। और क्या, बहुत परेशान है। ऐसा ना हो सवेरे महाराज दंड दे लेंगे हमको। तो हुआ क्या, कंगन दूजा ने सवेरे बुलवाया है, तो विप्र बेचारा पे बस घबराया है। अरे विप्र बेचारा पे बस घबराया है। पंडित जी बेचारे घबराने लगे और सोच रहे हैं आखिर दूसरा कंगन लाया कहां से जाए। तो पहुंच गए उन्हीं के पास। किनके? किनके? किनके पास पहुंचे? जाके मिला वो ब्राह्मण महाराज, अरे जाके मिला गुणी संत से, उन गुणवंत से। संत शिरोमणि उन्हीं गुणी महात्मा जी से मिले जाकर के। जाके मिला उन्हीं संत से, गुणी गुणवंत से, और कहा के बची, अरे बची, हाँ बची आखिरी यही बस आस जी। केवल आप ही राजा के दंड देने से हमको बचा सकते हैं। और रैदास जी के सामने ब्राह्मण देव तो हाथ जोड़े खड़े हैं, बोले अब आप ही हमको बचा सकते हैं वरना राजा हमको दंड देंगे। आपके लिए गंगा माता ने कंगन के रूप में भेंट पहुंचाई थी, लेकिन मेरे मन में लालच आ गया और वो कंगन मैंने आपको ना देकर के अपनी पत्नी को दे दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वो कंगन रानी ने देख लिया। अब राजा उसके जोड़ का कंगन मंगा रहे हैं, अब आप ही मेरी लाज बचा सकते हैं। तो हुआ क्या, के बची आखिरी यही एक आस जी। तो ज्ञानी रैदास जी से ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगे, विनती करने लगे। तो रैदास जी ने कहा ब्राह्मण देवता आप चिंता ना करिए। उन्होंने किया क्या, सुनी कहानी रैदास मन हर्षाए देवता की बात सुन के हाथ कठौती के जल में वो डुबाए हैं।
कठौती में जो पानी भरा था उसमें जैसे ही हाथ डाला उन्होंने, हुआ क्या? क्या गंगा माँ को कठौती में बुलाए हैं, और इसलिए कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जैसे ही गंगा माँ का ध्यान करके कठौती में हाथ डाला, तब गंगा माँ को कठौती में बुलाए हैं, और कंगन जोड़े का दूजा भी पाए हैं। उस जोड़ का कंगन दूसरा भी माता ने दे दिया, कंगन जोड़े का दूजा भी पाए हैं। और जब दूसरा कंगन रैदास जी ने उस ब्राह्मण देवता को दिया, उस कंगन को देख करके कंगन दिया द्विवेदी कहा मन भी हर्षा रहा, कंगन दिया द्विवेदी कहा मन भी अरे हर्षा रहा, खुशी हाँ खुशी अरे खुशी विप्र को हुई जो था उदास जी। जो इतनी देर से बेचारा उदास घूम रहा था यहाँ वहाँ अपने प्राण बचाने के लिए, उसको भी अपार प्रसन्नता हो गई। तो खुशी विप्र को हुई जो था उदास जी, अरे राखी सिद्धि कहाँ ऐसी सबके पास जी, तो राखी सिद्धि कहाँ ऐसी सबके पास जी, जैसी सिद्धि रविदास महाराज जी के पास है, तो ज्ञानी है हरि के दास ये निराले बनाने के लिए मीराबाई भी आई। मीराबाई ने उनको अपना गुरु बनाया, तो पंक्ति कह रही है के राखी सिद्धि कहा ऐसी सबके पास जी, तो ज्ञानी है हर के पास ये निराले रहे। गीत बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा गीत। के खन की चूड़ी हो खन की चूड़ी, बस दिखाने को सजती हूँ मैं तुझे ही दिखाने को, एक मुंडा ओ एक मुंडा, एक मुंडा मेरी उम्र का है, मेरी उम्र का कि मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र दा जी देखो जी देखो जी देखो, दिल की भी बातें नहीं जानता वो, देखो दिल की भी बातें नहीं जानता, जालिमा देखो बात नहीं।
विराजमान समस्त विद्वानों से निवेदन कर रहा हूं, आप सभी का ध्यान चाहता हूं। राखी जी ने बड़ा ही सुंदर गीत आपके सामने रखा है। आज हमारे संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती में यह कार्यक्रम हो रहा है और आपने कहा क्या, अरे संत बड़े भरत खंड के भारत अखंड के, अरे जिनकी जिनकी कठौती में गंगा जी का वास जी, तो ज्ञानी हो तो हरि के दास ये निराले रैदास जी। आपने इस कथानक को दिखाया है कि जिनकी कठौती में गंगा, हालांकि चमत्कार तो इतने हैं कि सदियां बीत जाएंगी लेकिन हो नहीं सकते, गुणगान नहीं हो सकता है। ये हमारे आदरणीय श्री रविंद्र दीवान जी बहुरानीपुर, आपकी ओर से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है, दीवान जी को प्रणाम कर रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय। गौर करिएगा, प्रयास है अपनी ओर से। गंगा जी का वास तो ठीक है, तमाम ऐसी कथाएं आती हैं, हो राखी जी, अरे किए काम थारा धाम पर नाम थारा धाम पर, संत रविदास महाराज किए काम धारा धाम पर है नाम धारा धाम पर के हरि के हरि के हरि के रहे हितकारी सदा खास है, के हरि के रहे हितकारी सदा खास है, तो जानिए करते कौतुक निराले रविदास है, के जानिए करते कौतुक निराले हमारे उद्घोषक महोदय ने अभी एक इशारा किया था कि दो कंगन निकाले बाबूलाल, कितने कंगन निकालते हैं और क्या, ये बाबूलाल की औकात क्या है कंगन निकाले कि क्या निकाले, अरे कंगन तो ठीक है, कुछ बातें मैं आपकी सेवा में रख रहा हूं। एक बार जब रविदास जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया, गंगा किनारे पहुंचे, वहां पंडों ने देखा तो उन्होंने
साफ इनकार कर दिया वहां दाह संस्कार के लिए, इनकार कर दिया यहां पर दाह संस्कार नहीं कर सकते हो, अगर करना है तो कुछ दूरी पर ले जाकर करो। हुआ क्या? क्या आई मजबूरी करती मजबूर है, आदरणीय दाऊ साहब आज मजबूरी करते मजबूर है, जाके चलाते कुछ दूर है। रविदास जी जब दूरी पर जाकर के चिता जलाने लगे अपने पिता की, तो हुआ क्या? क्या अरे मिला भक्ति का कैसा आधार है, जैसे ही चिता जलाने लगे गंगा जी की एक जोर से धार आई और उस चिता को अपने साथ बहाकर ले गई। मिला भक्ति का कैसा आधार है, तो आती उल्टी आती उल्टी एक गंगा की धार है। तभी से कहते हैं कि उल्टी गंगा, ये है उल्टी गंगा। और पिता की चिता को जो जल रही थी अपने साथ बाहर करके ले गई है गंगा मैया। तो आपकी उल्टी वो गंगा की धार है। मैं राखी जी अरे जिसकी है भक्ति प्रबल है शक्ति प्रबल, जिसकी है भक्ति प्रबल है शक्ति प्रबल, जग में अरे जग में होते कभी ना वो उदास है। हमारे आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता आदरणीय दाऊ साहब श्री जयहिंद सिंह जी परिहार साहब और हमारे आज के मुख्य अतिथि सम्मानीय गुड़िया जी और हमारे आदरणीय दाऊ साहब, आपकी ओर से सम्मानीय दाऊ साहब श्री हरमुख सिंह जी परिहार आपकी ओर से ये 501 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है, मैं हृदय से प्रणाम कर रहा हूं। आशीर्वाद चाहता हूं आदरणीय दाऊ साहब, जैसा मैंने कहा कथानक तो इतने हैं कि सदियां बीत जाएंगी लेकिन गुणगान नहीं हो सकता है, लेकिन सत्य ये है जिसकी है भक्ति प्रबल है शक्ति प्रबल, तो जग में होते कभी ना वो उदास है। अरे जानिए जानिए करते कौतुक मिला के I'm gonna get you.
दूसरी बात सुनो। एक बार संत रविदास जी ने भंडारा किया और जब भंडारा किया भंडारे में सब लोग आए लेकिन एक सुंदर सी कन्या भी वहां आई और जब वो कन्या आई इतनी सुंदर रूपवती वो कन्या की ना रविदास जी ने भंडारा है को निहारा है। देखा वहां के राजा की नजर पड़ी उस कन्या के ऊपर तो राजा मोहित हो गए और राजा ने कहा कि इस कन्या से मेरा विवाह होगा और अगर विवाह नहीं हुआ तो रविदास जी ने कहा तो अगर मुझसे विवाह नहीं हुआ तो रविदास जी तुम्हें दंडित किया जाएगा। अब रविदास जी चिंता में पड़ गए। तब हुआ क्या क्या के होता चमत्कार संत जी के द्वारा है उस कन्या ने जब इतना सुना कि राजा मुझसे विवाह करना चाहता है और इस बात को लेकर के रविदास जी चिंतित हैं बहन राखी जी तो उस कन्या ने कहा ठीक है लेकिन विवाह ऐसे नहीं होगा इनसे कहो कि बारात लेकर के आए बारात लेकर के आए तो हुआ क्या क्या जैसे ही बारात आई और राजा दूल्हे बने बारात आई तो होता चमत्कार संत जी के द्वारा है और जैसे ही बारात आई तो वो श्रृंगार करके वो कन्या कुंड में कूद गई और जैसे ही कुंड में कूदी उस कुंड से इतनी तेज जल की धारा निकली दूल्हा और बाराती सबको बहा करके ले गई। वो कौन है वो साक्षात गंगा मैया आई थी। क्या बात कन्या के रूप में वो साक्षात गंगा मैया भंडारे में आई थी तो सबको लेके ओ सबको ले गई बहा के जल की धारा है और उस पे जो सता है अटल हर कष्ट जाए टल और उस पे जो सता है अटल हर कष्ट जाए टल तो होते अरे होता हाँ होते जग में ना उनके उपहास है जो भी उस परमात्मा से जुड़े हैं तो होते जग में कभी ना उपहास है तो जानिए करते बहुत निराले आदरणीय विद्वान जन अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। जहां तक कंगन की बात आई कंगन निकाल दिया। अरे रविदास जी तो ऐसे हैं। कैसे रविदास जी चंदन तिलक लगाते थे
चंदन तिलक लगाते थे, जनेऊ धारण करते थे, अभी हम दे देंगे तो हमारे दीवान जी चले जाएंगे। दीवान जी पधारिएगा, हम जानते हैं आजकल बहुत व्यस्त समय है सब सबका, लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं बस थोड़ा सा समय दीजिए। जनेऊ धारण करते थे, चंदन टीका लगाते थे, और ये सब लोगों को अच्छा नहीं लगता था, अच्छा नहीं लगता था। अरे ये रविदास देखो कितने पुजारी बने हैं, चंदन तिलक जनेऊ धारण, ये बात चारों ओर फैल गई। राजा ने सुना तो रविदास जी को बुलवाया गया। तो देख कर सब ये करते मन विचार है, अरे देख सबने ये कीना मन विचार है, और संत जी को बुलाया दरबार है। संत रविदास जी को दरबार में बुलाया गया और उनसे कहा गया क्या कि ये तिलक लगाते हो, बहुत बड़े धर्मात्मा हो, चंदन तिलक जनेऊ धारण करते हो। और जैसे ही इतना सुना रविदास जी ने, तो संत छाती पे, अरे संत छाती पे कीना अपनी बार है, छाती पर हाथ मारा, वो हुआ क्या? क्या संत छाती पे कीना जो ही वार है, तो निकले तनो में, देखे तनो में जनेऊ वहां चार है, और वो चार जनेऊ कैसे? कैसे? सोने का, तांबे का, वाह, चांदी का और सूत का, ये चार जनेऊ दिखे, वो चारों जनेऊ उतार करके संत रविदास जी ने राजा को दे दिए। और उस दिन के बाद संत जी ने जनेऊ धारण नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि केवल टीका चंदन लगाने से या जनेऊ धारण करने से कोई धर्मात्मा नहीं होता है, ना कोई पुजारी होता है। अरे जिसका मन अच्छा नहीं है, जिसके भाव नहीं है, चाहे वो जनेऊ धारण करता रहे, चाहे तिलक लगाता रहे, कुछ भी करता रहे, और क्या? तो देखे तनों में जनेऊ वहां चार है, तो जिसकी है हो जिसकी है, जिसकी है सद्भावना कोई दुराभाव, अरे जिसकी है सद्भावना कोई दुराभावना, उसकी अरे उसकी होती सदा पूरी अरदास, तो जानिए करते कौतुक निराले रविदास।
प्रेम से बोलिए संत रविदास महाराज की।